देवास में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेश यादव के प्राधिकरण अध्यक्ष बनते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। बता दें कि 10 वर्षों से प्राधिकरण का अध्यक्ष पद खाली था, जिसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष पद संभाला गया था। बीजेपी के जिला महामंत्री राजेश यादव के प्राधिकरण अध्यक्ष पद की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी भी की। वहीं दिल्ली में चल रहे लोकसभा सत्र की व्यस्तता के चलते सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी देवास पहुंचे, जहां उनके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम सा उमड़ हुआ था और ढोल धमाके आतिशबाजी के बीच देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राजेश यादव का सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। 100 किलो फूलों से भरी माला पहनाकर फूलों की ऐसी वर्षा की गई जैसे फूलों की होली खेली जा रही हो। सांसद द्वारा किए गए आदर सत्कार स्वागत को देखकर राजेश यादव भावभोर हो गए। इस अवसर पर मनीष सेन, सतीश कटारिया, नीलेश सेन, प्रेस क्लब अध्यक्ष अतुल बागलीकर, अध्यक्ष शेखर कौशल, महेश चौहान, वरुण अग्रवाल, विशाल जैन, मितेश रघुवंशी, शंभू अग्रवाल, नीरज चौहान, सुदेश सांगते, हेमंद्र निगम काकू, नीलेश शिंदे, संतोष वर्मा सहित अन्य कई कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। मैं सबसे पहले माननीय राजेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये वास्तव में एक छोटे कार्यकर्ता की जीत है। ये छोटे कार्यकर्ता के का अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति किए गए समर्पण को सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने, माननीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है और हम सब की टीम को मजबूत करने के लिए उन्होंने देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर माननीय राजेश यादव जी को विराजमान किया है। निश्चित रूप से राजेश यादव जी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कार्य को संपादित करेंगे। देवास के विकास यात्रा में शामिल होकर देवास की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। हम सब मिलकर देवास का विकास करेंगे। माँ चामुंडा की, माँ तुलजा भवानी की कृपा आदरणीय राजेश यादव जी पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत ये जैसा भी माननीय सांसद जी ने बताया है कि वास्तव में एक छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है उस बात को सभी के सामने सत्यापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। ये मेरे लिए एक पद नहीं, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी का मेरे माननीय सांसद जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरे मुख्यमंत्री जी, देवास विधायक जी, मेरे जिला अध्यक्ष जी, इन सब लोगों ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस देवास के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।